दिल्ली उत्तरी पश्चिमी सीट से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी हंस राज हंस और आप पार्टी के गुगन सिंह रंगा से है। ये मुकाबला इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो गया कि उदित राज की जगह बीजेपी ने एक गायक को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लिलोठिया ने हंस राज हंस की चुनौती को गंभीर नहीं मानकर कहा है जनता को गाना नहीं काम चाहिए। हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह ने राजेश लिलोठिया और हंस राज हंस से की खास बातचीत। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं आप, हंस राज हंस के खिलाफ आप कांग्रेस की तरफ से उतरे हैं, क्या मानते हैं एक सेलिब्रिटी को आप बछाड़ पाएंगे? देखिए, मैं चाहूँगा, एक निवेदन करूँगा कि अगली बार आप उनके पास में जाइए, सिर्फ उनसे पूछ लीजिए कि 10 विधानसभाएं आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं। अगर वो तुरंत उसका जवाब दे दें बगैर पढ़े, तो आप समझ जाइए कि वो कितने सीरियस कैंडिडेट हैं और कितना वो काम कर सकते हैं। उस क्षेत्र से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पर मेरा गाँव है और मेरे को गाँव की, दिल्ली देहात की समस्याओं की जानकारी है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीतेगी। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद आपके लिए जो है सिलेक्शन किया है आपका, और संगठन के लिए आप जिस तरीके से बिहार में आपने परफॉर्मेंस दिया उससे खुश होकर कहीं ना कहीं आपको दिल्ली में उतारा है। तो अब जबकि उदित राज छोड़ के बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, उनका कितना साथ मिलेगा? राहुल गांधी खुद से आपके विधानसभा, आपके लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आएंगे कि नहीं? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने मुझे एक कैंडिडेट के रूप में दिल्ली में भेजा लोगों की सेवा करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, दिल्ली में राहुल गांधी जी की टीम में मैं सचिव रहा और बिहार इंचार्ज रहा। उसके बाद राहुल गांधी जी मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में दिल्ली में लेकर आए और अभी फिर उन्होंने ही मुझे अपना एक आशीर्वाद दे के, शुभकामनाएं देकर मुझे भेजा है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी से मैं चाहूंगा, निवेदन भी किया है कि वो मेरे क्षेत्र में आए, लोगों को बीच में आए। और मैं तो इवन प्रियंका गांधी जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी मेरे चुनाव में आए। तो उन्होंने, दोनों ने ये कहा है कि अगर समय मिलेगा तो दोनों मेरे चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। उदित राज जो कि अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आपकी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, पिछली लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, और अब कितना सपोर्ट मिलेगा उनका? अभी आप लोगों के बीच में थे थोड़ी देर पहले और पूरे समर्थन में हैं मेरे, और सब मेरे को समर्थन देने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पार्टी में जुड़ने से मुझे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो फिलहाल उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आएंगे राहुल गांधी, अपने प्रचार के लिए रैली करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली। उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं हंसराज, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़े नेता, एक बड़े गायक रहे हैं और राजनीति में आना, ये स्टेप कैसे उठाया आपने? मैं मोदी साहब से प्रभावित हुआ हूं, अपने महबूब नेता से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है इस मुल्क की तकदीर को संवारने का, उस वजह से आया, उनसे इम्प्रेस हो के आया। पहले भी भाजपा के लिए आप कैंपेनिंग करते रहे, आप प्रत्याशी के रूप में आप पे भरोसा जताया है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आपको उतारा है, वहाँ की समस्याओं को आप कैसे समझेंगे? पहले अपने पार्टी के दूल्हों का सिरा गाता था, अब खुद का गाँव तो ये है तो मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़मीनी लेवल पर। अभी 2 दिन हुए हैं, वहाँ के इलाके की सारी समस्याएं समझ के उनका समाधान भी ढूंढेंगे। मोदी जी के लिए आपने एक नगमा गाया, एक नगमा हमारे चैनल के लिए भी गाया। तो ये थे हंसराज हंस, जिन्होंने बात की A1 TV से, और ये कहा कि गायक तो पहले से थे लेकिन मोदी जी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से भाजपा ने हंसराज हंस को उतारा है और उनके मुकाबले में है राजेश लिलोठिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।